नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नाम आप सभी को, मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन के बहुत ही खूबसूरत मंच पर एक बहुत खूबसूरत होली रंगोत्सव का महोत्सव लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दो शब्दों से मेरे बहुत प्यारे और खूबसूरत पटल को मैं समर्पण देना चाहूंगी कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। कद 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 इतना ऊंचा रखते हैं कि हम सभी सम्मानित कवियों को बुलाते हैं। इतने छोटे भी हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुष्पों को भी अपने पटल पर सजाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज का ये खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण रंगीन समाज जो है वो हम छोटे छोटे बच्चों के बीच ही सजाएंगे। हमारे बीच उपस्थित रहेंगे उत्कर्ष यादव, आहाना मंडल, विराज गोयल, देवांशु, मायरा, तवेश, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका और विधि। हम इन सभी नन्हे खूबसूरत फूलों के साथ आप सभी के समक्ष और छोटे छोटे ये अपने वाणी से बहुत खूबसूरत होली का महोत्सव हमारे बीच सजाएंगे। मैं दो शब्दों से बच्चों को समर्पण देती हूँ कि बच्चों का फागुन निराला समा प्यारा प्यारा, कि बच्चों का फागुन निराला समा प्यारा प्यारा, कैसी होली का मस्त जमाना, गाए हर दिल यही तराना। कौन सा तराना? कि होली आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी। जी हाँ, होली के इसी रंग को लेकर और इन्हीं बहुत खूबसूरत रंगों को लेकर इनकी बौछार करने के लिए सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन के इस खूबसूरत पटल पर नन्हे बच्चों का रेला और मेला लगाने के लिए हमारे बीच सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे। मैं एक बार पुनः उनका नाम दोहराती हूँ। उत्कर्ष यादव, आहाना मंडल, विराज गोयल, देवांशु, मायरा, तविश, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका और विधि। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं दो शब्दों से समर्पण हमारे सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जहांगीर आलम सर को दूंगी कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है, और दुआ करते हैं दुआ करते हैं कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत कि ये एक चरा कई आंधियों पे भारी है। मैं आगाज करती हूँ सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन की इस खूबसूरत महफिल में होली के रंगों को सजाने के लिए अपने सबसे खूबसूरत बच्चे उत्कर्ष यादव, आहाना मंडल, विराज गोयल, देवांशु, मायरा, तविश, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका और विधि को। जी, नन्हे मुन्हे बालक हैं इन्हें कम न समझो, नन्हे मुन्हे बालक हैं इन्हें कम न समझो, आज कदम छोटे छोटे हैं पर हौसले बुलंद हैं। नमस्कार, मैं नीरू सिंह, माउंट लिट्टा जी स्कूल कोंटाई की हिंदी शिक्षिका हूँ। सीएफएम राइटर एसोसिएशन ने ऐसे ही नन्हे मुन्हे बालकों को इतना बड़ा मंच प्रदान किया है कि वह खुलकर सामने आए और अपनी प्रतिभा दिखा सके। तो मेरे विद्यालय से भी कुछ बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाने का हौसला किया है, जिसमें से उत्कर्ष, आहाना, विराज, देवांशु, मायरा, तविसा, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका, विधि, ये बच्चे अपनी छोटी छोटी कविता और मनमोहक कविताओं के साथ आ रहे हैं। जितने प्यारे प्यारी इनकी कविताएं हैं उतनी प्यारे प्यारे ये दिखते भी हैं। तो आप सब जुड़ना न भूलें, बने रहें, बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें अपने आशीर्वाद द्वारा यूं ही जीवन में आगे बढ़ने और हिंदी के क्षेत्र में नए नए कार्यों को आजमाने का मौका दें। उन्हें हिंदी के प्रति खुद भी जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक हो ऐसा, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इनके ही हाथ में, इनके छोटे छोटे हाथों में ही हमारे देश का कल का भविष्य है। तो ये बच्चे होली का आगाज़ लेके आ रहे हैं। होली तो आ ही चुकी है, उसकी खुशबू बहुत पहले से आ रही थी, पर ये बच्चे उसका आगाज़ लेके आ रहे हैं। तो अपनी ये होली की छोटी छोटी कविताओं के साथ आ रहे हैं। आप बने रहें, इन कविताओं को सुने, इनका उत्साह बढ़ाएं, अपने आशीर्वाद और कमेंट द्वारा इनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो मैं बच्चों की बराबरी तो नहीं कर सकती, पर बच्चों के लिए दो लाइन है। आई होली आई, आई होली आई, रंगों की फुहार लाई, बिखरे इंद्रधनुषी रंग जीवन में, बिखरे इंद्रधनुषी रंग जीवन में, खुशियों की सौगात लाई, आई होली आई।
बसंत की विदाई करे फागुन, वसंत की विदाई करे फागुन, नए वर्ष की सुगंध लाई, आई होली आई, मिटे बैर गैरों से, मिटे बैर गैरों से भी अपनों को भी पास लाई, आई होली आई। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विराजपुर HM एजुकेशन सेंटर के कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को होली पर एक कविता सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं CFM मंच प्रदान करने के लिए अलका मैम और जहांगीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रेखा मैम और नीरू मैम के साथ अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। परिचय। होली पर कविता में वो रस होता है जो कि होली पर खुशियों की छाप छोड़ता है। बच्चों को होली का त्यौहार बहुत पसंद होता है। बच्चे सुबह से ही होली खेलने में लग जाते हैं, अपने बाल्टियां भरने में, अपने पानी के गुब्बारे भरने में इत्यादि। तो चलिए होली कविता के इस लेख को पढ़ना शुरू करते हैं और होली का आनंद लेते हैं। एक बार फिर से होली आई है, साथ ढेर सारी यादें लाई है। याद आती है वो बचपन की होली, गुब्बारों से जब खेला करते थे, पिचकारे में रंग भरा करते थे, दोस्तों से रंगों पे जगरा करते थे। याद आती है वो ठुमकों वाली होली, नाचते हुए जब झूमा करते थे, ठाके के संग जिया करते थे, अपनों को भी रंग लगाया करते थे। याद आती है वो पकवानों वाली होली, गुजियों की थाली को देखा करते थे, पेट भर कर जब खाया करते थे, गरीबों को भी खिलाया करते थे। याद आती है वो बचपन की होली, दिल से जब जिया करते थे। धन्यवाद। आप इसी तरह कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुहाना वर्मा स्कूल HM एजुकेशन सेंटर का 4 की छात्र हूँ। मैं CFM मंच प्रदान करने के लिए अलका मैम और जहांगीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रेखा मैम और नीरू मैम का भी धन्यवाद और अपने माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मैं होली पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते। होली पर अब ऐसा हार, हर चेहरे पर आज गुलाल, आओ यारो इसी बहाने दुश्मन को भी चलो मनाने। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सार्थक है और मैं मालिद्रा जी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 1। और आज मैं आपको कविता बोलने जा रहा हूँ। होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई, धूम मचाती होली आई, घर घर में खुशियाँ लाई, बच्चों की है टोली आई, हाथ में पिचकारी लाल, रंग गुलाल उड़ाती आई, होली आई, होली आई, ये हम सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। शुक्रिया नीरू मैम, अमिता मैम, जावेद सर, शुक्रिया आपने मुझे होली का मौका दिया। हैप्पी होली। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देवांशु दास है। मैं माऊ लेदरा जी स्कूल कोंटाई में पढ़ता हूँ और मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो होली के ऊपर है। पर उससे पहले मैं CFM ग्रुप को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अलका मैम, अलम सर, रेखा मैम और नीरू मैम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं अपना कविता शुरू करता हूँ। देखो देखो होली है आई, चुन्नू मुन्नू के चेहरे पर खुशियाँ है आई, मौसम ने ली है अंगराई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई, ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई, देखो देखो होली है आई, बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई,
रंग बिरंगी पिचकारियां बाबा से है मंगवाए, रंगों और गुलाल की सूची है रखवाई, जिसकी काका ने अनुमति नहीं है दिलवाई। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जताई। बच्चों ने खूब मिठाइयां खाकर शहर में धूम है मजाई। देखो देखो होली है आई, होली ने भक्त प्रहलाद की स्वीति है करवाई। बच्चों और बड़ों ने कचरे और अवगुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई। देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। आप सबका होली शुभ रहे, धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम अहना मंडल है। मैं माउंट लिटरेसी स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा हूँ। सबसे पहले CFM राइटर्स एसोसिएशन मंच को आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है, और साथ ही साथ जहांगीर आलम सर और डॉक्टर अलका मैम को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। मैं अपनी शिक्षिका नीरू मैम और रेखा मैम को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच का रास्ता दिखाया। सबसे पहले मैं शारदे माँ को नमन करते हुए कुछ सुनाना चाहूँगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब मैं इस मंच में उपस्थित सभी से इजाजत लेकर होली के ऊपर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। होली खेले चारों भाई अवधपुरी के महलों में, अंगना में कई हौज बनाए, भांति भांति के रंग गुलाए, पिचकारी भर धूम मचाए, अवधपुरी की महलों में, राम लखन पिचकारी चलाए, भारत शत्रुघ्न अबीर लगाए, लखे दशरथ होए निहाल, अवधपुरी की महलों में, शिया सुत कीर्ति रंग में नहाए, उर्मिला मांडवी चिन्ही न जाई, हुए लाल गुलाबी बाल, अवधपुरी की महलों में, कौशल्या कैके सुमित्रा तीनों माता ले बलैया, पूर्जन गाए मंगल फाग, अवधपुरी की महलों में। मंत्री सुमंत्र भेंटते होली, नृप दशरथ से करे ठिठोली, बूढ़े भी लगते जवान, अवधपुरी की महलों में, दास लाए गुजिया ठंडाई, हिल मिल सबने मौज मनाए, ढोल बजे पांगे भी गाए, अवधपुरी की महलों में, दस दिश में सुख आनंद छाया, हर मन फागुन में बौराया, शांति संग त्योहार मनाया, अवधपुरी की महलों में। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी कविता पसंद आई होगी, अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। मैं माउंट लिटरेसी स्कूल के कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाऊंगा। उसके पहले CFM मंच प्रदान करने के लिए अलका मैम, रेखा मैम, नीरू मैम और जहांगीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, आओ मिलकर साथ चले, सबसे जाकर गले मिले, लो अपनी टोली निकली, धूम मची है गली गली, पीला हरा गुलाबी लाल, चले हाथ में लिए गुलाल, सबसे अपनी यारी है, रंग भरी पिचकारी है, नाच रहे हैं खड़े खड़े, झूम रहे हैं बड़े बड़े, ये सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। धन्यवाद।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनुष्का राठौर, मैं मेरे स्कूल का नाम HM एजुकेशन स्कूल है, मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक होली के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं CFM मंच प्रदान करने वाले रेखा मैम, नीरू मैम, जहांगीर सर और अलका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया, और मेरे माता पिता को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो रंग, सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पे आज गुलाल, आओ यार आओ यारो, इसी बहाने दुश्मन को भी चलो मनाने। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं मायरा कुमारी हूँ, मैं माउंट लिटरेसी स्कूल काठी की कक्षा 1 की छात्रा हूँ, और आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने वाली हूँ। उसके पहले मैं CFM मंच प्रदान करने के लिए अलका मैम और जहांगीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और रेखा मैम, नीरू मैम और अपने माता पिता को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। रंगों का त्योहार होली, खुशियों की बौछार होली, लाल गुलाबी पीले देखो रंग, सभी रंगीले देखो, पिचकारी बड़बड़ ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल, आओ यारो इसी बहाने दुश्मन को भी चलो मनाने। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं CFM मंच प्रदान करने के लिए अलका मैम और जहांगीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। नीरू मैम और रेखा मैम को भी धन्यवाद। आज मैं विधि सिंह HM एजुकेशन सेंटर कक्षा 3 की छात्रा आपके सामने होली स्पेशल के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। होली रंगों की त्योहार ये होली, खुशियों की सौगात है लाल, रंग बिरंगी नीली पीली गुलाल, ये देखो सबको भाई, भक्त प्रहलाद को रखे हम यार, धर्म का छोड़ने कभी ना साथ, भक्त प्रहलाद को रखे हम यार, धर्म का छोड़ने कभी ना साथ, एक दूजे को गले लगा कर रंगे हम सारा संसार, गुज्जियों की सजी है थाल, मालपुओं की आई बहार, गुजियों की सजी है थाल, मालपुओं की आई बहार, फागुन के पूर्णिमा को मनाए होली का दहन हम सपरिवार, लेकिन इस बार रखना ध्यान घर में ही हो सारे त्योहार, क्योंकि बाहर दुश्मन खड़ा है लेकर खांसी और बुखार। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आई होगी। इस कविता को तैयार करने के लिए सभी को धन्यवाद। HMEC के परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सबको बहुत खूब सारा प्यार बांटें। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, मैं तविशा माहेश्वरी कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले CFM मंच, जागीर सर और अलका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा मैम और नीरू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़े प्यार से अम्मा बोली खूब मनाओ भैया होली ने, बड़े प्यार से अम्मा बोली खूब मनाओ भैया होली, नहीं करेंगे कभी कुसंग, डालो सभी परस्पर रंग, एक बरस में हो
ध्यान लगा कर सुनो पढ़ो, नए नए सोपान चढ़ो, बच्चे शोर मचाए होली, उछले कूदे खेले होली, बड़े प्यार से अम्मा बोली खूब मनाओ भैया होली, बड़े प्यार से अम्मा बोली खूब मनाओ भैया होली। धन्यवाद। हैप्पी होली। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम यशी सिंह है, स्कूल का नाम HM एडुकेशन सेंटर की कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को कविता सुनाने जा रही हूँ। CFM मंच को प्रदान करने वाली अलका मैम और जहांगीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरू मैम और रेखा मैम को भी धन्यवाद और मेरे माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। होली। आप सभी को पता है कि किसी ठंड के अंतिम दिनों में जब लोग होली का त्यौहार मनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। होली का त्यौहार होता ही ऐसा है कि कोई भी इसे खुशी के साथ मनाना चाहता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव भुलाकर आपसी मतभेद मिटा दिया जाता है। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इसे मनाने के लिए पूरे एक वर्ष का इंतजार किया जाता है। होली में लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने के लिए मिठाइयाँ गुजिया आदि बांटते हैं। लोगों को रंग बिरंगे रंगों से खेलना पसंद है। कई जगहों पे लोगों को कविताओं से खुशियाँ बांटना पसंद है। आज मैं आपको ऐसी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम पिचकारी है। उसे सुमित शर्मा द्वारा लिखा गया है। पिचकारी रे पिचकारी, कितनी प्यारी पिचकारी, छुप छुप कर रहती रोजाना होली पर आ जाती है, रंग बिरंगे रंगों को एक दूसरे पर बसाती है, कोई हल्की कोई भारी, कितनी प्यारी पिचकारी, होता रूप अजब अनूठा, कोई कोई पतली कोई छोटी, दुबली दिखती गोल मटोल, कोई रहती मोटी मोटी, देखो सुंदर लगती सारी, कितनी प्यारी पिचकारी। होली का त्योहार तो भैया इसके बिना रहे अधूरा, नहीं छोड़े दूसरे पर जब तक मजा आता नहीं है पूरा, करती रंगों की तैयारी, कितनी प्यारी पिचकारी। धन्यवाद। नमस्कार। रंगों के त्योहार होली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। CFM राइटर्स एसोसिएशन के श्रीमान जहांगीर आलम, डॉक्टर अलका अरोड़ा एवं संचालिका नीरू सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं अपने विद्यालय के प्रबंधन समिति एवं प्रधानाचार्य श्रीमती रत्ना कुंडू की भी आभारी हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। CFM राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से होली के इस शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम में नन्हे मुन्हे बच्चों को उनकी प्यारी प्यारी कविताओं का प्रस्तुतीकरण करने का अवसर प्रदान किया, जो कि अत्यंत ही मनोहारी रहा। सभी बच्चों का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय रहा और आशा है कि भविष्य में भी ये बच्चे इसी तरह अपनी छोटी छोटी रचनाओं और उनकी कुशल प्रस्तुति से सभी के दिलों में अपना स्थान बनाएंगे और समाज में गौरव प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। सभी को होली मुबारक। है रंगों में रंग मिल जाते हैं। जी हाँ, हमारे रंगों में रंग मिले हैं। इतने खूबसूरत रंग हमारे समक्ष उपस्थित रहे। उत्कर्ष यादव के रूप में आहाना मंडल, विराज गोयल, देवांशु, मायरा, तवेश, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका और विधि के रूप में इतने खूबसूरत रंगों से हमारा पटल शोभायमान रहा। इतने खूबसूरत रंगों से हमारा पटल होली के रंगोत्सव के महोत्सव में रंगा रहा कि उसका कोई जवाब नहीं। अतुलनीय, अद्वितीय, अनुपम और विशिष्टतम एकदम। मैं दो शब्दों से इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। कहते हैं ना कि वक्त की अपनी एक चाल होती है, वक्त हर चीज को अपने वक्त पर समाप्त हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वक्त से सीखा चलना, बेमुरफत रहते बहते रहना, बांधे रखता सभी के हाथ, वक्त किसी के नहीं है साथ।
तो वक्त वाकई किसी के भी साथ नहीं है, आज हमारे भी साथ नहीं है वक्त। हमने होली का बहुत खूबसूरत, जितना हम वक्त चुरा सकते थे होली के रंगों से हमने चुराया, और इस खूबसूरत शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं सादर धन्यवाद देती हूँ उत्कर्ष यादव, आहाना मंडल, विराज गोयल, देवांशु, मायरा, तविश, यशी, सार्थक, सुहाना, मनीषका, विधि और इनकी खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर्स नीरू सिंह जी को और रेखा सिंह जी को, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ नीरू सिंह जी को और रेखा सिंह जी को, तथा एक बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी जहांगीर आलम सर को, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम ये CFM राइटर्स एसोसिएशन की होली की महफिल सजी। दो शब्दों से मैं समर्पण देती हूँ आज की होली को, मैंने अपना खुद का श्रृंगार बांधा है और दो शब्द मैं देती हूँ कि अब के फागुन में ओ रे पिया, अब के फागुन में ओ रे पिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में ओ रे पिया, मीठी मीठी सी बाली उमरिया, मीठी मीठी सी बाली उमरिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में ओ रे पिया। रंग प्रीत का धानी बहुत है, ये नशा भी बहुत है सुहाना, ऐसे अल्हड़ से फागुन समा में हमको अपने गले से लगाना, अंग अंग वासे बरसे बदरिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया।